विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम। नगर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने 60वां स्थापना दिवस मनाया। संयोजक मुख्य वक्ता सरोज सोनी ने दीप प्रज्वलित किया। संगठन के उद्देश्य और कार्यों पर कहा कि विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और यह बड़े गर्व और गौरव की बात है। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि समाज एकजुट और संगठित हो। हिंदू समाज के विभिन्न जातियों में बटे होने का फायदा उठाकर धर्मांतरण का कार्य किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद विगत 60 वर्षों से हिंदू समाज को संगठित और एकजुट करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज में कोई जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भेद नहीं होना चाहिए। समाज एकता का ही परिणाम है कि हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए कार्य सेवा में लाखों हिंदुओं ने अपना योगदान दिया। मुख्य अतिथि बाल गोपाल गौशाला निमरानी श्री श्री 1008 महंत लक्ष्मण गिरी महाराज थे। हुई थी और आज हम उसी के निमित्त यहाँ पर 60 वर्ष पूर्ण होने पर हम यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में हैं। और विश्व हिंदू परिषद के अनेक अनेक उपलब्धियाँ हैं जो हिंदू समाज को ध्यान में आए कि इस देश में अनेक अनेक प्रकार की जिस समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान के लिए विश्व हिंदू परिषद बना। हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा, हमारी गौ माता की रक्षा के लिए, हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए जिस प्रकार से विधर्मियों द्वारा हमारी बहन बेटियों को लव जहाद के माध्यम से फंसाना, लैंड जहाद करना, अनेक अनेक प्रकार की विधर्मियों के द्वारा समस्याएं यहाँ उत्पन्न करना, उन समस्याओं के समाधान के लिए विश्व हिंदू परिषद है। और विश्व हिंदू परिषद का काम है सेवा, सुरक्षा, संस्कार के माध्यम से समाज को जागरण करने का काम, अनेक अनेक सेवा के माध्यम से जो ऐसे बच्चे हैं जहाँ जिन शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा उपलब्ध कराना, जहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध कराना, कि साप्ताहिक अपने रक्त परीक्षण है, शारीरिक परीक्षण है, कुछ ऐसे रक्त बैंक भी प्रारंभ करना और छोटे मोटे चिकित्सा केंद्र प्रारंभ करके और जहाँ पर आवश्यकता है, अभावग्रस्त क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में सेवा के कार्य प्रारंभ करना, बालवाड़ी और बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आए, कि भाई आज संस्कारों की कमी है, संस्कारहीनता के कारण अनेक अनेक समस्याएं हमारे सामने हैं, उन संस्कारों से सिंचित उनको परिवार को करना, उन आने वाली पीढ़ी को करना, और संस्कार के कारण ही हमारा हिंदू समाज जो है दूसरे अन्य धर्मों में जाने से वो रोकेगा। हम धर्मांतरण को रोकने का प्रयत्न करेंगे, परावर्तन का काम प्रारंभ करेंगे और ऐसे जो हमारे बच्चे हैं उन छोटे छोटे बच्चों को संस्कार के माध्यम से एक नई दिशा देने का प्रयत्न करेंगे। इन 60 वर्षों में बहुत कुछ हमने उपलब्धियां हासिल की है कि गौरक्षा के माध्यम से हमने अनेक अनेक राज्यों में गौ रक्षा के लिए कड़े कानून बनाने के लिए हमने सरकार को विवश किया। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।